वेलकम टू ड्रीम केबीसी चिक्के। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर 2018 के सारे इंपॉर्टेंट पुरस्कार और अवार्ड्स का जीके लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आपको विनंती रहेगी आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही नए नए नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों। तो लेट्स फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भरत वाटवानी और सोनम वागचुक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, तो मिस वर्ल्ड 2018 कौन है? तो विश्व सुंदरी 2018 कौन है? तो वेनेसा पॉन्स लियोन, जो मेक्सिको की है। तो वेनेसा पॉन्स लियोन को मिस वर्ल्ड 2018 से सम्मानित किया गया है। मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब किसने जीता है? तो कैटरीना एलिसा मेगन योंग्रे, जो फिलीपीन की है। तो कैटरीना एलिसा मेगन योंग्रे को मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब जीता है। मिस अर्थ 2018 किसने खिताब जीता है? तो गुयेन फुओंग खान, जो वियतनाम की है, तो मिस अर्थ 2018 का खिताब जीता है। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसने जीता है? तो अमिताव घोष, ज्ञानपीठ 2018 से अमिताव घोष को सम्मानित किया गया है। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2018 किसने जीता है? तो एम राम ने राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2018 जीता है। नेक्स्ट, 2018 के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री कौन है? तो वसुंधरा राजे है, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है 2018 के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री। संगीत कला निधि पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुणा साईराम, संगीत कला निधि पुरस्कार 2018 से अरुणा साईराम को सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शत्रुघ्न सिन्हा, अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है। मिठो इलिमा अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेरी कॉम को मिठो एलिमा अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है। यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले को, गायक कलाकार आशा भोसले को यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वर मौली पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लता मंगेशकर को स्वर मौली पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, मेन बुकर पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इना बांस को मेन बुकर पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइस 2018 किसने जीता है? तो ओल्गा टोकारकुक और जेनिफर क्रॉफ्ट ने मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओल्गा टोकारकुक और जेनिफर फ्रॉक्ट, मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। शांति दूत पुरस्कार 2018 किसने जीता है? तो जावेद अख्तर ने शांति दूत पुरस्कार 2018 जीता है। नेक्स्ट, कालिदास पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंजलि इला मेनन को कालिदास पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट, 24वां क्रिस्टल अवार्ड किसने जीता है? तो शाहरुख खान, प्रसिद्ध अभिनेता शाहरुख खान ने 24वां क्रिस्टल अवार्ड जीता है। प्रिट्ज़र पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को प्रिट्ज़र पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया, एक बालकृष्ण दोषी प्रसिद्ध आर्किटेक्ट है। राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पंकज गहलोत को राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एबल पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? रॉबर्ट्स पी लॉन्गलेंड्स को एबल पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। लिनियन पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कमलजीत बाबा को लिनियन पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोपाल कृष्ण गांधी को राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट,
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया है? तो विराट कोहली, प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली और मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मीराबाई चानू के बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए, तो वो मणिपुर की है, रेस्लर है, रेस्लर वेट लिफ्टिंग समझ आते, वेट लिफ्टर है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार 2018 MS स्वामीनाथन को सम्मानित किया है। प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार 2018 से MS स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया है। ग्लोबल वुमन लीडरशिप अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया है? तो शेख हसीना, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को ग्लोबल वुमन लीडरशिप अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है। सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 किसे सम्मानित किया गया है? तो चित्रा मुग्धल को। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 से चित्रा मुग्धल को सम्मानित किया गया है। उनकी कृति नाला सोपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 से चित्रा मुग्धल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाला सोपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 से के पुस्तक के लिए इनको ये हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, मैं आपकी तरह एक जरूरतमंद स्टूडेंट ही हूँ, इसमें मैंने सारे पुरस्कार बहुत मेहनत करके कवर करने की कोशिश की है। अगर 2018 का कोई पुरस्कार या अवार्ड बाकी रह गया आपको पता हो और मेरे वीडियो में ना आया हो, तो इम्पोर्टेंट हो, आपके एग्जाम में अक्सर आता हो, तो कमेंट करके मुझे बताएं उस पुरस्कार का और विजेता का नाम 2018 का, ताकि कोई जरूरतमंद स्टूडेंट नीचे हमारे कमेंट बॉक्स पे जाए तो उसको भी जानकारी मिले। वेरी नाइस, वेरी गुड, ऐसा मत लिखना, कमेंट बॉक्स में उस अवार्ड और उसका पुरस्कार जो विजेता का नाम लिखना, मुझे अब विनंती रहेगी आपको, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए, और हो सके तो किसी को शेयर करना ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो इम्पोर्टेंट साबित हो। नेक्स्ट, अशोक चक्र मरणोपरांत 2018 से किसे सम्मानित किया गया? ज्योति प्रकाश निराला को अशोक चक्र 2018 मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2018 कौन है? तो अनुकृति वास, जो तमिलनाडु की है। और मिस इंडिया ग्रैंड इंटरनेशनल 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मीनाक्षी चौधरी, हरियाणा की मीनाक्षी चौधरी मिस इंडिया ग्रैंड इंटरनेशनल 2018 से सम्मानित किया गया है। और मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स से किसे सम्मानित किया गया है 2018 में? तो गायत्री भारद्वाज, मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स 2018 से की विजेता है। अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया है। तो पहले तो फिजिक्स भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 2018 में? तो आर्थर इस्किन, गोरार्ड मेरू मोरू, गोरार्ड मोरू और डोना स्ट्रिकलैंड, आर्थर इस्किन, गोरार्ड मोरू और डोना स्ट्रिकलैंड को भौतिकी में 2018 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रसायन केमिस्ट्री में 2018 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रांसिस एच अर्नोल्ड, फ्रांसिस एच अर्नोल्ड को रसायन विज्ञान में 2018 से सम्मानित किया गया है। और जॉर्ज पी स्मिथ और ग्रेग विंटर, तीन लोगों को केमिस्ट्री में 2018 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फ्रांसिस एच अर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ और ग्रेग विंटर। नोबेल पुरस्कार साइकोलॉजी और मेडिसिन, मनोविज्ञान और चिकित्सा में किसे सम्मानित किया गया? तो जेम्स पी एलिसन और तुस्कु होंजो, जेम्स पी एलिसन और तुस्कु होंजो को मनोविज्ञान और चिकित्सा में 2018 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार शांति 2018 से किसे सम्मानित किया है? तो नोबेल पुरस्कार पीस में किसे सम्मानित किया गया? तो डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद, डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद को नोबेल पुरस्कार शांति में 2018 से सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो दो लोगों को सम्मानित किया है, विलियम नॉड्स और पॉल रोमर, विलियम नॉड्स और पॉल रोमर को नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स 2018 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा अवार्ड 2018। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इरफान खान ने,
हिंदी मीडियम मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है आईफा अवार्ड में, तो श्रीदेवी ने उनकी मॉम मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्मी अकादमी पुरस्कार आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, तो तुम्हारी सुल्लू। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, तो साकेत चौधरी हिंदी मीडियम मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक, तो कोंकणा सेन शर्मा अ डेथ एंड द गुंज मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड कोंकणा सेन शर्मा ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन है, तो मेहर विज सीक्रेट सुपरस्टार। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब किसने जीता है, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी मॉम मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एक्टर, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार किसने जीता है आईफा अवार्ड में, तो अरिजीत सिंह ने जब हैरी मेट सेजल के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार किसने जीता है, मेघना मिश्रा ने सीक्रेट सुपरस्टार के लिए फीमेल में, और मेल में अरिजीत सिंह सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक, और फीमेल में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका तो मेघना मिश्रा सीक्रेट सुपरस्टार। सर्वश्रेष्ठ कहानी, तो अमित वी मसूरकर ने पुरस्कार जीता है न्यूटन मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी का। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन, तो किसका है, अमाल मलिक, तनिक्स बागची और अखिल सचदेव ने बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला कोरियोग्राफी में किसने पुरस्कार जीता है आईफा अवार्ड में, तो विजय गांगुली, रॉयल दोसन वरिंगी, गलती से मिस्टेक, जग्गा जासूस के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला का। सर्वश्रेष्ठ गीत काव्य लिरिक्स का पुरस्कार किसने जीता है, नसरत फतेह अली A1, मेलोडी फाना और मनोज मुंतशिर। नसरत फतेह अली A1, मेलोडी फाना और मनोज मुंतशिर ने मेरे रस के कमर बादशाहों के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत काव्य लिरिक्स का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पूरा पुरस्कार 2018 आईफा अवार्ड में किसने जीता है, तो मनोज मुंतशिर मेरे रस के कमर बादशाहों के लिए। सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का किताब किसने जीता है आईफा अवार्ड में, प्रीतम ने जग्गा जासूस मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले अवार्ड, तो नितेश तिवारी, श्रेयस जैन, नितेश तिवारी और श्रेयस जैन ने सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता है बरेली की बर्फी के लिए। स्टाइलिश आइकन पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है आईफा अवार्ड में, तो कृति सेनन को स्टाइलिश आइकन पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। तो उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया आईफा अवार्ड में, तो अनुपम खेर को। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018, श्रेष्ठ कोच, कोई भी खेल में अच्छा कोचिंग करते हैं क्रिकेट, तो उसके लिए आप द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जैसे कि इस बार 6 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से लिए सम्मानित किया गया है। सूबेदार 8 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। सूबेदार चेनंदा अचैया कुटुप्पा को बॉक्सिंग में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। यहाँ पे व्यक्ति का नाम और उन किस खेल से संबंधित, ये हमें याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सूबेदार चेनंदा अचैया कुटुप्पा तो बॉक्सिंग में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया है। और विजय शर्मा तो वेट लिफ्टिंग में 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एस श्रीनिवासन राव को किस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया, तो टेबल टेनिस के लिए। सुखदेव सिंह पन्नू को किस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया, तो एथलेटिक्स में। केल रेंस लोम्बो तो किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, तो केल रेंस लोम्बो को हॉकी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। तो तारक सिन्हा, यहाँ पे तारक सिन्हा, जीवन कुमार शर्मा और VR बीडू, ये 3 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। तो तारक सिन्हा को क्रिकेट में से संबंधित है, जीवन कुमार शर्मा तो जूडो से संबंधित है, और VR बिंदू तो एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस साल 2018 में 8 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से लिए सम्मानित किया गया। तो लोग इनके नाम और इनके किस खेल से, ये हमें याद रखना है।
नेक्स्ट ध्यानचंद अवार्ड 2018। ध्यानचंद अवार्ड्स 2018 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सत्यदेव प्रसाद को अर्चरी में ध्यानचंद पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया है, और भरत कुमार छेत्री को हॉकी में ध्यानचंद पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया है। मिस बॉबी अलोसियस को एथलेटिक्स में 2018 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छगोले डोडू दत्तात्रेय को रेस्लिंग में ध्यानचंद अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। कोई क्षेत्र में खेल में पूरा जिंदगी पर अपना योगदान देते हैं तो उसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब देखते हैं ऑस्कर अवार्ड्स 2018। ऑस्कर पुरस्कार 2018 तो किसे सम्मानित किया गया, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है, तो विजेता है गिलर्मो डेल टोरो ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशन डायरेक्टर का अवार्ड जीता है ऑस्कर अवार्ड 2018 में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है, तो गैरी ओल्डमैन को बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है ऑस्कर 2018 में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता है ऑस्कर 2018 में, तो फ्रांसिस मैकडोरमेंड ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है ऑस्कर 2018 में। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री विजेता कौन है, तो सैम रॉकवेल सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब सैम रॉकवेल ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है ऑस्कर 2018 में, तो इलिसन जेनी ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री 2018 का खिताब जीता है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म कौन सी है, तो सेबेस्टियन लेलियो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म है ऑस्कर अवार्ड 2018 में। ऑस्कर अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म सह विजेता कौन है, तो कोबे ब्रायंट। सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर विजेता कौन है, तो अलेक्जेंडर डेस्प्लेट ऑस्कर अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर विजेता। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी विजेता कौन है, तो रोजर डिकिंस सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी विजेता 2018 में ऑस्कर अवार्ड में। अब देखते हैं अर्जुन अवार्ड्स 2018। तो विविध खेल में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड से हर साल सम्मानित किया जाता है। तो इस साल 20 लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, 20 खिलाड़ी को। तो इन सिक्की रेड्डी को अर्जुन अवार्ड 2018 से सम्मानित किया, तो किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से। यहाँ पर सभी खिलाड़ी के नाम और किन खेल से उन संबंधित वो हमें याद रखना है। ऐसे इतने सारे नाम याद रखना आसान नहीं है, तो आप 2-3-4 बार वीडियो देखेंगे या बार बार तो वो आपको याद रह जाएगा। तो एन सिक्की रेड्डी तो बैडमिंटन के लिए उनको अर्जुन अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। हिमा दास तो किस खेल से संबंधित है, एथलेटिक्स से संबंधित है। और नीरज चोपड़ा तो किस खेल के लिए अर्जुन अवार्ड 2018 से सम्मानित किए गए, तो एथलेटिक्स। जिनसन जॉनसन को एथलेटिक्स में अर्जुन अवार्ड 2018 से सम्मानित किए गए हैं। सुमित मलिक तो कुश्ती के लिए अर्जुन अवार्ड 2018 से सम्मानित किए गए। रोहन बेपन्ना तो लॉन टेनिस के लिए अर्जुन अवार्ड 2018 से सम्मानित किए गए। सविता पुनिया तो किस खेल से संबंधित है, हॉकी। सविता पुनिया को हॉकी के लिए अर्जुन अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है। मनप्रीत सिंह तो किस खेल से संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है। तो हॉकी में कितने, तो हॉकी मनप्रीत सिंह और सविता पुनिया दोनों को हॉकी के लिए संबंधित है। राहित सन्नोबत का संबंध किस खेल से, तो शूटिंग से संबंधित। शूटिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था एशियन गेम से। अंकुर मित्तल का संबंध किस खेल से, शूटिंग से संबंधित है। श्रेयसी सिंह का संबंध किस खेल है, तो शूटिंग। स्मृति मंदाना तो आप जानते फेमस है, क्रिकेटर है। साथियान ज्ञानशेखरन तो टेबल टेनिस से संबंधित है। और मनिका बत्रा तो टेबल टेनिस से संबंधित, तो जो साथियान ज्ञानशेखरन मनिका बत्रा टेबल टेनिस। और शुभंकर शर्मा तो किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। पूजा कादियान तो वुशु से संबंधित है, वुशु खेल है। अंकुर धामा तो किस खेल से संबंधित है, पैरा एथलेटिक्स। सतीश कुमार तो किस खेल से संबंधित है,
तो मुक्केबाजी से संबंधित है। कर्नल रवि राठौड़ तो किस खेल से संबंधित है? पोलो से। मनोज सरकार तो किस खेल से? तो पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। तो टोटल 20 लोगों को इस साल अर्जुन अवार्ड से 2018 से सम्मानित किया गया लास्ट ईयर। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और अभी तक आपने हमारा चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको विनंती रहेगी आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही नए नए नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हो सके तो अपने फ्रेंड या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, कि फुल्ली नॉलेजेबल सारे अवार्ड्स इसमें कवर करने की कोशिश की हमने। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 4 या 5 हर एग्जाम में अवार्ड्स पुरस्कार से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन मिनिमम आते ही है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।